बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को MCB अकाउंट से जो रास्त आईडी है उसको क्रिएट करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। दोस्तों, रास्त आईडी का आप लोगों को मालूम है कि अगर आप लोगों के पास किसी भी बैंक का अकाउंट है तो आप लोग रास्त आईडी में मैनेजमेंट में जाके अपना मोबाइल नंबर उसमें ऐड करते हुए उस अकाउंट को अपना मोबाइल नंबर जो है वो बना सकते हो। ये आप लोगों को मालूम है, लेकिन MCB के हवाले से नया अपडेट जो आया हुआ है वो अभी आप लोग MCB लाइव एप्लीकेशन से जाके अपना रास्त आईडी मैनेजमेंट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले MCB लाइव एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा। आप लोगों ने भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो MCB लाइव एप्लीकेशन में मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो रास्त का अभी यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे रास्त का फंक्शन जो है वो ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर जो है ट्रांसफ़र वाया रास्त, अगर आप लोग किसी बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो रास्त के ज़रिए, अगर उसने आप लोगों को रास्त आईडी दिए जो कि मोबाइल नंबर होता है वो अगर आप लोगों ने उसको आपको दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफ़र वाया रास्त लिखा हुआ है। इस पर आप लोगों ने क्लिक करके आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो आप लोगों ने फिल करके उस बंदे को पैसे भेज देने हैं। अगर आप लोग अपने अकाउंट में रास्त आईडी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेज रास्त आईडी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने मैनेज रास्त आईडी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी दूसरे पेज में आप लोगों की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों का कस्टमर नेम आ जाएगा, रास्त आईडी टाइप आ जाएगी और रास्त जो आईडी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा मोबाइल नंबर और रास्त आईडी टाइप मोबाइल है, कस्टमर नेम भी यहाँ पर आ चुका है और अकाउंट जो है वो भी आ चुका है। उसके बाद आप लोगों का नीचे IBN के साथ अकाउंट नंबर आ जाएगा पूरा और आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप लोग क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वन टाइम पासवर्ड आप लोगों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्रिएट पे कर लेता हूँ तो यहाँ पे रिव्यू आ जाएगा। पहले आप लोगों ने इसको रिव्यू करना है क्योंकि बिल्कुल सही है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोगों का जो भी रजिस्टर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड जो है OTP कोड आप लोगों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। जैसे ही वो वन टाइम पासवर्ड आए आप लोगों के मोबाइल नंबर पे, वो कोड जो है आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर लेना है। जैसे आप लोग एंटर करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का रास्त आईडी क्रिएट हो जाएगा और आप लोगों का MCB अकाउंट आप लोगों का मोबाइल नंबर बन जाएगा। जैसे ही आप लोगों का ये बन जाए उसी टाइम आप लोगों का बन जाएगा। फिर आप लोगों ने किसी बंदे को भी अगर अपना MCB का अकाउंट नंबर देना होगा तो आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर देना है और बोलना है कि ये मेरा MCB रास्त आईडी है, इसके ज़रिए आप लोग मुझे पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।